नमस्कार, मैं शगुन शर्मा। रात के 10:30 बज चुके हैं और अब वक्त हो गया है सस्पेंस का। इंडियन ओशन से लगभग 3300 किलो ड्रग्स की बरामदगी हुई। देश में ड्रग्स की सबसे बड़ी ऑफशोर सीजर के रूप में इस ऑपरेशन में सफलता मिली है। अरेबियन सी का इस्तेमाल इंडियन कोस्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। इस प्रकरण में 5 संदिग्ध विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। इनका संबंध पाकिस्तान से होना संदेह के घेरे में पाया जा रहा है। बरामद ड्रग्स के तार क्या पाकिस्तान के सबसे बड़े ड्रग तस्कर और दाऊद इब्राहिम के करीबी हाजी सलीम से तो नहीं जुड़े हुए हैं? स्ट्रीट प्राइस के हिसाब से 1200-1400 करोड़ के आसपास इसका वैल्यू होना चाहिए। इससे पहले एनसीबी ने जो ऑपरेशन समुद्र ग्रुप चलाया था और उस समय जो 2500 किलो ड्रग्स बरामद की थी, उसके तार हाजी सलीम से जुड़े पाए गए थे। समंदर के बीच कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ। ऑपरेशन जितना बड़ा था उतना ही रिस्की। 3-3 ऑर्गेनाइजेशन के जाबाजों ने समंदर में एक रेड से इतिहास रच दिया। आखिर क्या है ऑपरेशन सागर मंथन का सस्पेंस, चलिए आपको दिखाते हैं। शान से लहराते तिरंगे के आगे सीना तान कर खड़े हैं ऑपरेशन सागर मंथन के नायक और इनके आगे हथकड़ियों में बैठे हैं समंदर के सबसे बड़े खलनायक। सबसे बड़े खलनायक इसलिए क्योंकि अगर ये अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो देश का बड़ा नुकसान हो जाता। एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करते हुए एनसीबी ने नेवी और एटीएस गुजरात के साथ मिलकर एक संयुक्त छापेमारी में 3300 किलो के लगभग ड्रग्स बरामद किए हैं। ये ऑफशोर सीजर का अपने आप में रिकॉर्ड है और इस सफलता का श्रेय मैं अपने साथ ऑपरेशन टीम्स के साथ नेवी और एटीएस गुजरात को भी देना चाहूँगा। इस ऑपरेशन में हमें प्रारंभिक जानकारी थी कि कुछ विदेशी नागरिक, 5-7 विदेशी नागरिक 3000 किलो से ज़्यादा ड्रग्स के साथ भारतीय जल क्षेत्र में आ रहे हैं और तमिलनाडु से आने वाली एक नाव में उसको ट्रांसफ़र करेंगे। उस सूचना के आधार पर हमने नेवी से ये इन्फॉर्मेशन शेयर की और उन लोगों ने हमारे साथ मिलकर इस ऑपरेशन में इनको पकड़ने में हमारी मदद करी। जो लोग पकड़े गए हैं उनका कनेक्शन कहाँ से है और ये ड्रग्स कहाँ से आई थी? ये ड्रग्स चाबहार एयरपोर्ट से, ईरान से नाव का चलना पाया जा रहा है। जो पैकेजिंग मटीरियल है उस पर प्रोड्यूस ऑफ पाकिस्तान नाम का प्रिंट है, जिससे लगता है कि इनका पाकिस्तान से भी कनेक्शन है। सुना, गुजरात के पोरबंदर से 3300 किलो की ड्रग्स भारत में सप्लाई करने का प्लान था। कनेक्शन ईरान और पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं। जांच एजेंसियां इस रैकेट के आका का पता लगाने में जुटी हैं। कल उसका नाम भी मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि बरामद ड्रग्स की कीमत कितने करोड़ है। ड्रग्स अभी बरामद की गई है, उसकी कीमत क्या है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर? हम लोग कीमत तो तय नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रीट प्राइस के हिसाब से 1200-1400 करोड़ के आसपास इसका वैल्यू होना चाहिए। देश के दुश्मनों की साजिश समंदर से भी गहरी है और इसका प्रमाण है ये 5 प्यादे। शुरुआती जांच में इनके बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ड्रग्स से भरा ये जहाज ईरान से हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ था। ईरान से पाकिस्तान और उसके बाद पाकिस्तान से हिंदुस्तान में ड्रग्स की इस खेप को पहुंचाना था। इस जहाज में जो भी ड्रग्स भरी थी उसकी पैकेजिंग पर पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ था। गिरफ्तार हुए लोगों के पास पहचान पत्र है नहीं। बरामद ड्रग्स के तार क्या पाकिस्तान के सबसे बड़े ड्रग तस्कर और दाऊद इब्राहिम के करीबी हाजी सलीम से तो नहीं जुड़े हुए हैं? इस बात का पता एनसीबी लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इससे पहले एनसीबी ने जो ऑपरेशन समुद्र ग्रुप चलाया था और उस समय जो 2500 किलो ड्रग्स बरामद की थी, उसके तार हाजी सलीम से जुड़े पाए गए थे। जांच अभी जारी है, लेकिन इतना तय है कि ऑपरेशन सागर मंथन की इस कामयाबी से पाकिस्तान में हड़कंप जरूर मचा होगा, क्योंकि दाने दाने को मोहताज मुल्क की खातिर 1300 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी अभी तक सिर्फ जमीन पर ही ड्रग्स को लेकर ऑपरेशन को अंजाम देती थी, लेकिन ऑपरेशन सागर मंथन में गजब ही हो गया। एनसीबी ने नेवी और गुजरात एटीएस की मदद से 3300 किलो ड्रग्स की खेप जब्त की। ये देश में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स रिकवरी है।
एनसीबी की टीम अब ये पता करने में जुटी है कि अरब सागर में भारतीय तट सीमा से बरामद की गई ड्रग्स को भारत के किस हिस्से में सप्लाई करना था। अगर डिलीवरी एड्रेस मिल गया तो उन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे जिनके जवाब इन पांच को पता है। अब आपको ऑपरेशन सागर मंथन का सबसे बड़ा सस्पेंस बताते हैं। दरअसल एनसीबी को ड्रग से भरे जहाज की जानकारी पिछले हफ्ते ही मिल चुकी थी। इनपुट था कि 27 फरवरी की सुबह एक जहाज पोरबंदर पोर्ट पर आने वाला है। इनपुट कंफर्म करने के बाद एनसीबी तुरंत हरकत में आई और इस ऑपरेशन से गुजरात एटीएस और इंडियन नेवी भी जुड़ गई। एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य, कनेक्टिविटी का कुदरती माध्यम है ये समंदर। लेकिन जब शांत लहरों को चीर कर दुश्मन भारत में अशांति लाने का मंसूबा लिए बैठा हो तो ऑपरेशन सागर मंथन जरूरी हो जाता है। इंडियन नेवी, एनसीबी और गुजरात एटीएस के इस जॉइंट ऑपरेशन की चर्चा पूरे देश में हो रही है और इस कामयाबी के पीछे है सटीक इनपुट और पुख्ता तैयारी। एनसीबी को एक विश्वसनीय स्रोत से जानकारी मिली कि मछली पकड़ने वाली एक विदेशी नौका जो अपंजीकृत है, जिसमें कोई AIS स्थापित नहीं है, 3000 किलो से अधिक नारकोटिक्स पदार्थ और 5-7 विदेशी नागरिकों के साथ भारतीय जल क्षेत्र में आ रहा है। यह भी ज्ञात हुआ कि तमिलनाडु की ओर से आने वाली एक मछली पकड़ने वाली ट्रॉली 27 फरवरी को सुबह 5 से 7 बजे भारतीय जल सीमा के भीतर एक निश्चित बिंदु पर संदिग्ध प्रतिबंधित सामग्री को पहुंचाया जाएगा। इस सूचना के आधार पर हम लोगों ने ऑपरेशन सागर मंथन 1 को लॉन्च कर दिया। इंडियन नेवी ने इसमें लीड लेते हुए हमारी इनपुट के आधार पे और भी इनपुट्स जनरेट किए और इनके असेट्स जो कि इंडियन ओशन में उस समय वहां पे तैनात थे उनको इस ऑपरेशन में अग्रसित किया और साथ ही साथ जमीन से हमारे साथ जुड़े ATS गुजरात के अधिकारीगण और इनकी टीम, एक संयुक्त टीम हमारी नौसेना की मदद से इन सबको पकड़ने में कामयाब रही। इंडियन नेवी की ओर से भी बताया गया है कि मात्रा की दृष्टि से ये ड्रग्स की खेप सबसे बड़ी है और ये मुमकिन हो पाया है सर्वेलांस मिशन पर लगे P-81 एयरक्राफ्ट के इनपुट से। ये एक यूनिक ऑपरेशन। सबसे पहली बात ये है कि हम लोग पिछले 5 ऑपरेशन जो हुए हैं हाई सी में, ये ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्रो एक्शन हुआ है, नॉट रिएक्शन। पहले एनसीबी की टीम कभी भी हाई सीज में नहीं जाती थी, न नेवी के साथ तो कोस्ट गार्ड के साथ। वो अपने ज़मीनी जो हमारे सीमाएं हैं वहाँ तक सीमित रहती थी। सो फॉर द फर्स्ट टाइम द एनसीबी टीम इज गोइंग इन टू द सी अलॉन्ग विद द फ्रेंड सिस्टर एजेंसीज लाइक इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड। माननीय गृहमंत्री जी ने बहुत बार इसको कहा है और जो कि एनसीबी ने इसको हम लोगों ने एज अ मूल मंत्र माना है, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप अप्रोच। बिकॉज हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि एनसीबी एक फेडरल एजेंसी है और 90% से ज़्यादा जो ड्रग्स का सीजर होता है वो स्टेट पुलिस करती है, बिकॉज डे टू डे पुलिसिंग स्टेट पुलिस करती है। इस ऑपरेशन की सफलता से गृहमंत्री भी गदगद है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अमित शाह ने इंडियन नेवी, एनसीबी और गुजरात एटीएस की पीठ थपथपाई है, क्योंकि ड्रग्स देश की सुरक्षा और भविष्य दोनों के लिए खतरा है और हर खतरे को तकनीक, दिमाग और ताकत से मात देने के लिए भारत के प्रहरी मुस्तैद हैं। देखिए, बॉर्डर पार भारत के दुश्मन ये जान चुके हैं कि अब आतंक की सप्लाई बहुत मुश्किल है। आतंकी संगठन दाने दाने को मोहताज न बन जाए, इसलिए ड्रग्स ही पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया है। 1300 करोड़ रुपए की चोट नशे के सौदागर कभी नहीं भूलेंगे। सस्पेंस में आज बस इतना ही, कल आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए सस्पेंस के साथ। नमस्कार।